friends, welcome to mathematics class. Today we will see activity 2 of chapter number 7, fraction. Okay? हमने activity 1 में discuss किया था कि equivalent fraction है वो कैसे find करते हैं. हमने देखा था कि numerator और denominator को same number से multiply करते हैं. तो हमें क्या मिलता था? Equivalent fraction. Activity 2 में हम discuss करेंगे कि हम डिवाइड करके न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करके कैसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है वो फाइंड करते हैं. ओके, क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक. ए 35 डिवाइडेड बाय 40, 35 बाय 40 ये हमारा है फ्रैक्शन. ओके, मुझे इसका क्या फाइंड करना है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करना है. ओके, तो यहां पे डिनोमिनेटर में दिया है 40 को किससे डिवाइड कर रहे हैं? 5 से डिवाइड कर रहे हैं. तो हमें मैंने बताया था कि जो भी आप प्रोसेस कर रहे हैं क्या करना है, न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर में सेम करनी है. मल्टीप्लाई करते हो तो सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है तो भी सेम नंबर से डिवाइड करना है. तो यहां पे डिनोमिनेटर को 5 से डिवाइड किया है तो मुझे न्यूमेरेटर को भी किससे डिवाइड करना होगा? 5 से डिवाइड करना होगा. यहां पे मैं क्या लिखूंगा? 5. और चेक भी कर लेना है, 35 डिवाइडेड बाय 5 7, 40 डिवाइडेड बाय 5 8. ओके, बी 50 by 6 ये हमारा फ्रैक्शन है. ओके, ये भी दिया हुआ है. क्या कर रहे हैं? न्यूमरेटर को भी 10 से डिवाइड कर रहे हैं, डिनोमिनेटर को भी हम क्या कर रहे हैं? 10 से डिवाइड कर रहे हैं. ओके, तो 50 डिवाइडेड बाय 10 कितना होगा? 5. 10 का जो 50, 60 को आप 10 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या होगा? 6. तो 5 by 6 क्या है हमारा? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. ओके, नेक्स्ट D 108 by 120. 108 है वो numerator है, 120 denominator. ओके, ये हमारा फ्रैक्शन है जिसका मुझे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करना है. यहाँ पे डिनोमिनेटर में दिया हुआ है 120 को हम 12 से डिवाइड कर रहे हैं. तो हमें पता है कि सेम नंबर से भी जो भी करेंगे वो हम सेम नंबर से ही करेंगे. तो यहाँ पे भी न्यूमिनेटर में भी क्या करेंगे? 12 से ही हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे. ओके, तो 108 डिवाइडेड बाय 12 करोगे तो आंसर क्या मिलेगा? 9. वी नो 12 नाइन जा 124 12 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या होगा? 10. 12 नाइन जा 120. ओके, ई 24 बाय 36. तो न्यूमेरेटर को किससे डिवाइड किया हुआ है? 12 से डिवाइड किया हुआ है तो मुझे डिनोमिनेटर को भी किससे डिवाइड करना होगा? 12 से. 24 डिवाइडेड बाय 12 करोगे तो आंसर क्या मिलने वाला है? 2. यू नो 12 टू द 24, 36 को आप 12 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या मिलेगा? वेल 36. ओके, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड एंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग. इसका मैं क्या फाइंड करना है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करना है. ओके, कैसे फाइंड करें वो देखते हैं. फर्स्ट 45 बाय 65, क्या मुझे फाइंड करना है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करना है. एक्टिविटी 1 में हमने देखा था कि हम मल्टीप्लिकेशन करके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है वो फाइंड करते थे. इसमें हमें क्या करना है? डिवाइड करके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है वो फाइंड करना है. तो किससे डिवाइड करेंगे? तो फर्स्ट आपको क्या करना है? 45 एंड 65 का एचसीएफ फाइंड करना है. क्या फाइंड करना है आपको? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. किसका करना है? 45 एंड 65 का हमें एचसीएफ फाइंड करना है. ओके, तो फर्स्ट वो करते हम एचसीएफ फाइंड करते हैं. एचसीएफ कैसे फाइंड करना है वो हम चैप्टर 6 में देख चुके हैं. ओके, 45 65 कहां से स्टार्ट करेंगे? फर्स्ट में प्राइम नंबर लिख देता हूं. ऑलवेज हम कहां से स्टार्ट करते हैं? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से हम स्टार्ट करते हैं. ओके, तो 2 से स्टार्ट करते हैं बट 45 है वो 2 से डिविजिबल नहीं. तो नेक्स्ट नंबर है वो हमारा है 3. तो 45 है वो 3 से डिविजिबल है. ओके, तो 45 को आप 3 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या मिलेगा आपको? 15. अभी भी 15 है वो 3 से डिविजिबल है.
तो फिर से हम फिर से डिवाइड करेंगे 3 × 15 = 15। ओके अब ये 5 में फिर से डिविजिबल नहीं, तो नेक्स्ट प्राइम नंबर है वो 5, तो 5 में वो 5 से डिविजिबल है, तो हम लिख सकते हैं 5 × 5 = 5, लास्ट में 1 आ गया। हम 45 का फिर से लिख देते 3 × 3 × 5। अब 65 के प्राइम पर कुछ फाइंड करते हैं, स्टार्ट करेंगे 2 से, बट 65 में वो 2 से डिविजिबल नहीं। फिर से स्टार्ट करते हैं, तो 65 में वो 3 से डिविजिबल नहीं, तो स्टार्ट करते हैं 5 से। ओके, नेक्स्ट प्राइम नंबर है 5, तो 65 में वो 5 से डिविजिबल है। ओके, तो 65 को 5 से डिवाइड करोगे तो आंसर रहेगा 13। 65 को आप 5 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 13। ओके, अब 13 है वो 5 से डिविजिबल नहीं है, तो नेक्स्ट प्राइम नंबर है 7, 13 है वो 7 से भी डिविजिबल नहीं है, नेक्स्ट प्राइम नंबर है 11, तो 13 है वो 11 से भी डिविजिबल नहीं है, तो नेक्स्ट प्राइम नंबर है 13, तो 13 है वो 13 से डिविजिबल है। हम लिख सकते हैं 13 × 13, लास्ट नंबर आ चुका है, तो 65 के हम प्राइम फैक्टर लिख देते हैं 5 × 13। ओके, अब आपको क्या देखना है, दोनों के कॉमन फैक्टर, तो 5 दोनों में कॉमन है और कुछ कॉमन ये 13 है और ये 3 है। ओके, तो ये कॉमन नहीं है, तो हम एचसीएफ लिख सकते हैं, दोनों में कॉमन है वो हमारा एचसीएफ, तो 5 है वो हमारा एचसीएफ। ओके, तो हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किससे डिवाइड करना है, HCF से डिवाइड करना है, हमें 5 से डिवाइड करना है। ओके, तो न्यूमरेटर को भी 5 से डिवाइड करेंगे और डिनोमिनेटर को भी हम 5 से डिवाइड करेंगे, तो न्यूमरेटर को आप 5 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा, 45 / 5 करोगे तो आंसर आएगा 9, 65 / 5 करोगे तो आंसर मिलेगा आपको 13। ओके, तो ये है हमारा इक्विवेलेंट फैक्टर। क्वेश्चन 2C 54/72। उसका मुझे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करना है, बट कैसे करना है, डिवाइड करके मुझे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करना है। ओके, तो मैं फर्स्ट क्या फाइंड करूंगा, एचसीएफ फाइंड करूंगा, 54 × 72 का मुझे एचसीएफ फाइंड करना होगा। कहां से स्टार्ट करेंगे, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे, 54 को आप उससे डिवाइड करोगे तो आंसर मिलेगा 27। ये 27 है वो 2 से डिविजिबल है, तो हमें नेक्स्ट प्राइम नंबर लेना है 3, तो 27 है वो 3 से डिविजिबल है, 3 × 9 = 27। अभी भी 9 है वो 3 से डिविजिबल है, 3 × 3 = 9, ये 3 है वो अभी भी 3 से डिविजिबल है, 3 × 3 = 3। ओके, अब 54 के हम प्राइम फैक्टर्स लिख देते हैं, 2 × 3 × 3 × 3। ओके, अब 72 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करते हैं, 72 है वो 2 से डिविजिबल है, यस, हम स्टार्ट करते हैं 2 से, 72 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर मिलेगा 36 भी 2 से डिविजिबल है, 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर मिलेगा 18 है वो भी 2 से डिविजिबल है, 18 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर मिलेगा 9 है वो 2 से डिविजिबल नहीं है, तो हमें नेक्स्ट प्राइम नंबर लेना, नेक्स्ट प्राइम नंबर है वो 3, तो 3 से डिवाइड करना, तो 9 है वो 3 से डिविजिबल है, 3 × 3 = 9। ओके, और 3 है ये भी 3 से डिविजिबल है, 3 × 3। अब मैं 72 का प्राइम फैक्टर लिख देता हूं, 2 × 2 × 3 × 3। ये 2 कॉमन है दोनों में,
और ये 3 भी कॉमन है और ये 3 भी दोनों में कॉमन. ओके, हम ऐसे लिख सकते हैं 2 × 3 × 3 जो कॉमन है वो फैक्टर समय लिखना है. 2 × 3 = 6, 6 × 3 = 18 तो हमारा HCF है वो 18 है. तो हमें क्या करना होगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को HCF से डिवाइड करना है, मीन 18 से डिवाइड करना है. तो 54 / 18 / 72 / 18 मैंने क्या किया इसमें, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 18 से डिवाइड किया. तो 54 / 18 क्या आंसर होगा, 3. बी नो 18 = 54 और 72 को आप 18 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या होगा, 4. बी नो 18 × 72 ये हमारे इक्विवेलेंट फैक्टर. ओके, नेक्स्ट96 / 120. ओके, फर्स्ट मुझे क्या करना होगा, मुझे 96 / 120 का HCF फाइंड करना है. तो फर्स्ट मुझे क्या करना होगा, HCF फाइंड करना होगा कि वो हम क्या करते हैं, HCF से हम डिवाइड करते हैं दोनों नंबर को, मीन्स के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को क्या करते हैं, HCF से डिवाइड करते हैं. तो फर्स्ट मुझे HCF फाइंड करना होगा. Divisible. 96 को आप दूसरे divide करोगे तो answer होगा 24. 24 भी दूसरे divisible है तो 24. 24 भी दूसरे divisible है तो 24 divided by 12 करोगे तो answer मिलेगा आपको 12. 12 भी दूसरे divisible है तो 2 6 = 12. 6 है वो भी दूसरे डिविजिबल है, 2 × 3 = 6. ये 3 है वो दूसरे डिविजिबल नहीं, तो नेक्स्ट प्राइम नंबर है हमारा 3, तो ये 3 है वो दूसरे डिविजिबल है, 3 × 3. लास्ट में बना चुका है, प्राइम करके लिख देते 96 के 2 × 2 × 2 × 2 × 3. ओके, 120 के प्राइम फैक्टर फाइंड करते हैं, 120 है वो दूसरे डिविजिबल है, इसके दूसरे डिवाइड करोगे तो आंसर होगा 60. ये भी दूसरे डिविजिबल है, डिवाइड करोगे तो आंसर मिलेगा 30. 2 × 30 = 60. ये 30 भी दूसरे डिविजिबल है, 215 का. ओके, 30 को आप दूसरे डिवाइड करोगे तो आंसर होगा 15. ये 15 है वो दूसरा डिविजिबल है, तो हमें क्या करना है, नेक्स्ट प्राइम नंबर लेना है. तो नेक्स्ट प्राइम नंबर है वो 3. 3 × 15 = 50. 15 को आप 3 से डिवाइड करोगे तो आंसर होगा 5. अब ये 5 है वो 3 से डिविजिबल नहीं है, तो नेक्स्ट प्राइम नंबर है वो 5. तो ये 5 है वो 5 से डिविजिबल है. हम लिख सकते हैं 5 × 5. तो 120 के प्राइम फैक्टर लिख देते हैं, 2 × 2 × 2 × 3 × 5. 2 दोनों में कॉमन है, ये 2 भी कॉमन है, ये 2 भी कॉमन है और ये 3 भी कॉमन है. ओके, तो HCF लिखते हैं, कॉमन है वो नंबर आपको लिखते हैं 2 × 2 × 2 × 3. 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 3 = 24. हमारा HCF है 24. तो मुझे क्या करना होगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 24 से डिवाइड करना है. तो 96 / 24 = 120. तो 96 को 24 से डिवाइड करोगे तो आंसर होगा 4. वी नो 24 × 96. 120 को आप 24 से डिवाइड करोगे तो आंसर होगा 5. You know, 24 × 120. Okay, ये है हमारा equivalent factor.
नेक्स्ट क्वेश्चन 225/300 ओके, इसका मुझे क्या फाइंड करना है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करना है, मुझे किससे डिवाइड करना है, एचसीएफ से हम डिवाइड करते तो फर्स्ट मुझे क्या फाइंड करना होगा, एचसीएफ, तो 225 और 300 का एचसीएफ हम फाइंड कर रहे हैं ओके। डिविजिबल नहीं, तो नेक्स्ट प्राइम नंबर है 3 ओके, 225 में वो 3 से डिविजिबल है तो हम 225 डिवाइडेड बाय 3 करते हैं, तो 225 को आप जिसे डिवाइड करोगे तो आंसर होगा आपका 75 है वो भी 3 से डिविजिबल है, 3 से डिवाइड करते हैं 3 मल्टीप्लाई 25 इक्वल टू 75, 75 को 3 से डिवाइड करोगे तो आंसर मिलेगा आपको 25, 25 और 3 से डिविजिबल नहीं तो मुझे नेक्स्ट प्राइम नंबर लेना है 5, तो 25 को 5 से डिविजिबल है, 5 5 25, ये 5 है वो अभी भी 5 से डिविजिबल है, 5 5 5, तो 225 के प्राइम नंबर लिख देते हैं 3 × 3 × 5 × 5, तो हम फाइंड करते हैं 300 के प्राइम नंबर, तो 300 है वो 2 से डिविजिबल है, 150, अब 300 को 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर मिलेगा आपको 150, अभी भी 150 है वो 2 से डिविजिबल है, 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर मिलेगा 75, 75 है वो 2 से डिविजिबल नहीं है, हमारा नेक्स्ट प्राइम नंबर है वो 3 है, 75 है वो 3 से डिविजिबल है, तो 75 को हम 3 से डिवाइड करते हैं तो आंसर मिलेगा आपको 25, 25 है वो 3 से डिविजिबल नहीं है ओके, तो क्या करना होगा, नेक्स्ट प्राइम नंबर है उससे हमें डिवाइड करना होगा, नेक्स्ट प्राइम नंबर है 5, तो 25 को हम 5 से डिवाइड करते हैं, 5 5 25, तो ये 5 5 से डिविजिबल है, 5 5 5, लास्ट में 1 आ चुका है, तो हम 300 के प्राइम करके लिख देते हैं 2 × 2 × 3 × 5 × 5, कॉमन फैक्टर फाइंड करते हैं 3 दोनों में 5b और 5, ये हुआ कॉमन फैक्टर, HCF इक्वल टू कॉमन फैक्टर लिख देना 3 × 5 × 5, ये सबका मल्टीप्लिकेशन 3 × 5 = 15 15 × 5 = 75, HCF 75, तो मुझे न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर को किससे डिवाइड करना होगा, 75 ओके, तो 225 को 75 से डिवाइड करोगे तो आंसर मिलेगा आपको 3, और 300 को 75 से डिवाइड करोगे तो आंसर मिलेगा आपको ओके, तो ये हुआ हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, 225/300 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 3/4 ओके। क्वेश्चन नंबर 3, चेक वेदर द फॉलोइंग फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट, आपको दो फ्रैक्शन दिया हुआ, वो दोनों फ्रैक्शन और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है या नहीं वो आपको दिखाना है ओके, फ्रैक्शन दोनों दिया हुआ है बट आपको क्या डिसाइड करना है कि ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है या नहीं, तो हमने एक्टिविटी 1 में भी किया है वो सेम प्रोसेस आपको चेक करने के लिए कर दी ओके। मुझे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है या नहीं वो चेक करना है तो क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं वो आंसर इक्वल आता है तो वो दोनों फ्रैक्शन है वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा, तो आंसर
इक्वल नहीं आता है तो हम बोल सकते हैं वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, वो नहीं है। ओके, क्या करना है हमें, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ओके, फर्स्ट हम करेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 72, इसका आंसर होगा 288। अब 4 मल्टीप्लाई बाय 72 कर दो आपको आंसर मिलेगा 288, और इसका मल्टीप्लीकेशन 42 मल्टीप्लाई बाय 9, मिलेगा 288। ओके, तो दोनों क्रॉस हमने की उसका क्या आंसर है वो इक्वल है, यहाँ पे दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया बट आंसर है वो इक्वल। ओके, बोथ प्रोडक्ट, दोनों का प्रोडक्ट मीन मल्टीप्लीकेशन। ओके, तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन है वो इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं यस 4/9 एंड 32/72 आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है या नहीं है वो चेक करने के लिए क्या करना है, तो हम बोल सकते हैं 4/9 एंड 32/72 है वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। ओके, सी 40/75 and 8/50, ये हमें देखना है कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है या नहीं। तो फर्स्ट क्या करना होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 40 × 15 कितना होगा 600, और 8 × 75 और 8 × 75 कितना होगा 600। ओके, तो हम लिख सकते हैं बोथ प्रोडक्ट्स आर दोनों का मल्टीप्लीकेशन है वो सेम, तो यस 40/75 and 8/15 आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। Thank you, friends.